हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स कैसे बनाते हैं, उनके प्रिपरेशन मेथड। कई स्टूडेंट तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कठिन समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सोचता हूँ सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज़ का कंसेप्ट होता है। हर चीज़ को कंसेप्ट वाइज समझो, उसका कारण समझो, वो सरल हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा वो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले एल्केन द्वारा, वाई एल्केन। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड है अपना वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपन जो एल्किल हैलाइड बनाएंगे वो किससे बनाएंगे? एल्केन से बनाएंगे। ठीक है ना, तो पहली बात तो यही समझ लेते हैं, स्टार्टिंग बेसिक से करते हैं कि एल्केन क्या है। एल्केन जो है ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। और सेकंड बात जो याद रखनी है आपको, एल्केन में कार्बन जो एटम है इनके बिटवीन सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो मैंने दो ही बातें तो कही कि एल्केन क्या है। एल्केन हाइड्रोकार्बन है, मतलब केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अपन को एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना है। सोच लेते हैं कि थोड़ा सा ये भी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। देखो, एल्केन जो है तुम्हारे पास, उसमें से तुमने एच हटा दिया, एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया मैंने इसमें से, तो ये जो बचा ये है एल्किल। क्या बचा बेटा? ये बचा एल्किल। और एल्किल समूह से आप हेलोजन जोड़ दो, हेलोजन FClBr, तो ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड। सिंपल याद रखें, एल्केन में से एच हटाया, क्या बचा? एल्किल। और एल्किल में हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। तो सबसे फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन का, कि एल्केन से हम क्या बनाएंगे? एल्किल हैलाइड। देखो कैसे करना क्या है, हमें सिंपल ही समझे हर बात को। हमने एल्केन लिया, चलो मैंने ये एल्केन ले लिया, CH3CH2CH3। ठीक है, अब एल्केन की अभिक्रिया हमें करानी है हेलोजन से। मैंने हेलोजन से ले ली Cl2 क्लोरीन, और जो रिएक्शन करानी है वो सनलाइट में करानी है, सूर्य के प्रकाश में करानी है। ठीक है, तो अपन एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन से करा रहे हैं, एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से करा रहे हैं, सनलाइट में करा रहे हैं। देखो होगा क्या, समझते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं इस पूरी रिएक्शन को। देखो, सनलाइट में जो ये Cl2 है ये इस तरह का है, जो ये हेलोजन्स हैं ये इस तरह का है Cl2। अच्छा, ये कौन सा बॉन्ड है? ये है कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। अच्छा, सनलाइट में ये बॉन्ड बिल्कुल सेंटर से ब्रीक होता है। जब ये बॉन्ड बिल्कुल सेंटर से, याद रखना, हेलोजन में सनलाइट में जो बॉन्ड है इनके बीच का वो सेंटर से ब्रीक होता है, और जब सेंटर से ब्रीक होगा मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो हमको क्या बनेंगे? दो बनेंगे Cl फ्री रेडिकल। ठीक है भाई, तो अपन ने क्या किया है, Cl2 को सनलाइट में लिया है, तो इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और दो Cl फ्री रेडिकल बन जाएगी। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब ये Cl फ्री रेडिकल इसमें भी क्या कराएंगे? इसमें भी होमोलाइटिक डिवीजन कराएंगे। अच्छा, तो ये Cl लाइट ये क्या करेगा इसमें? देखो, इसमें यहां पर एक एच है, CH3 है ना, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एक एच यहां पर भी है। देखो वही है पर लिखने की स्टाइल बदलती है। अब दो Cl रेडिकल में से ये Cl रेडिकल इसमें भी होमोलाइटिक डिवीजन कराएगा, और ये इसको यहां से ले जा सकता है एच को। अच्छा, ये Cl की मर्जी है, ये इसको यहां से भी, इस एच को भी हटा के ले जा सकता है। अच्छा, पहले एक एक करते हैं।
अगर यहां से H बचाता तो क्या बना, यहां से H हटा तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल, और ये H रेडिकल Cl रेडिकल के संग HCl फॉर्मेट कर लेगा। अच्छा अगर बेटा वो H यहां से हटा तो क्या बनेगा, अगर ये Cl यहां से H को ले जाता है तो इस तरह का रेडिकल बनेगा CH3 CH। ढंग से देख लो, यहां का H ले गया ये Cl, अब इधर क्या रह जाएगा CH3। मतलब ये Cl है जो फ्री रेडिकल, ये यहां से भी H को हटा सकता है, यहां से भी H को हटा सकता है, यहां से H हटेगा तो इस कार्बन पर फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा, अगर यहां से H हटेगा तो इस पर भी फ्री रेडिकल बचेगा। Cl रेडिकल है, H रेडिकल से जुड़ने के लिए इसमें कौन करवाएगा, ये होमोलाइटिक क्लीवेज करवाएगा। अच्छा ये दो प्रोडक्ट बने अपने पास। अब एक बात सुनो, आगे बढ़ते हैं अपन, ढंग से हर बात को समझना। ये है 1 डिग्री फ्री रेडिकल, क्यों, क्योंकि ये जो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन समझते हो, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 2 से। अच्छा याद रखना, ये तो है 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल और ये है 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है इसकी तुलना में 1 डिग्री कार्बन रेडिकल से। जब ये मोर स्टेबल है तो मोर फॉर्मेट होगा भाई, मोर स्टेबल मोर फॉर्म, ये मोर फॉर्म होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो Cl रेडिकल है ये H को कहां से अधिक हटा रहे हैं, यहां से, जिससे ये बने। अच्छा यहां से H हटेगा तो यहां से H हटे, दोनों एक ही बात है। तो ध्यान से सुनना, एक तो इस तरह का बन सकता है कार्बन फ्री रेडिकल, एक इस तरह से बन सकता है। मोर कौन बनेगा, ये नीचे वाला, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। अच्छा अब दूसरा Cl जाकर के जुड़ जाएगा, ये यहां भी, इसमें भी जुड़ सकता है और इसमें भी जुड़ सकता है। तो अपने पास दो तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक बना CH3 CH2 CH2 Cl और दूसरा बन सकता है Cl अगर यहां जुड़ा तो दूसरा बन सकता है CH3 CH Cl CH3। तो अपने पास दो प्रोडक्ट बने। अब मैं ये पूछता हूं आपसे कि दोनों में से मोर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ध्यान करो, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है कार्बन फ्री रेडिकल, वो 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल से मोर स्टेबल है। जब ये मोर स्टेबल है तो ये मोर फॉर्म होगा, ये अधिक बनेगा, और जब ये अधिक बनेगा तो फिर ये अधिक बनेगा। जब ये मोर बनेगा, ये अधिक बनेगा, तो अपन कह सकते हैं कि ये है मेन प्रोडक्ट। पर ये अच्छा एक बात सुनो, तो ये रिएक्शन अपने समझी, इसको दोबारा से भले क्लियर कर सकते हो। अपन ने क्या लिया, सबसे पहले एल्केन, उसकी अभिक्रिया हेलोजन से सनलाइट की प्रेजेंट में, हेलोजन ने सनलाइट की प्रेजेंट में क्या बनाया, Cl फ्री रेडिकल। एक Cl रेडिकल एस रेडिकल को ले जाएगा यहां से कहीं से भी, और दूसरा वहां पर उस स्थान पर जुड़ जाएगा। जब Cl रेडिकल एच रेडिकल को ले जाएगा तो कार्बन फ्री रेडिकल बचेंगे, दोनों कार्बन फ्री रेडिकल में से कौन स्टेबल है, मोर, ये है, तो ये मोर फॉर्म, मोर स्टेबल मोर फॉर्म, ये मोर अधिक बनेगा, ये लेस बनेगा। जब ये अधिक बनेगा तो फिर अब कौन जुड़ना है इनसे, Cl, तो ये बनेगा। तो ये भी एल्के हैलाइड प्रिपरेशन की एक विधि देखी अपन ने, एक मेथड देखा, पर ये मेथड बेहतर नहीं है, उत्तम नहीं है, बढ़िया नहीं है। कारण, क्योंकि इसमें जो मिश्रण बनेगा, इस प्रिपरेशन में जो एल्किल हैलाइड बनते हैं उनका मिश्रण मिक्सर बनता है, तो इसको अपन बढ़िया मेथड नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब अगली विधि पढ़ते हैं अपन, अगला मेथड पढ़ते हैं नंबर 2 है एल्कीन द्वारा। देखो एल्कीन से कैसे बनाएंगे, जो एल्कीन होती है, पहले ये क्लियर कर लो, एल्कीन जो होती है ये भी हाइड्रोकार्बन होती है, मतलब ये भी किससे बनी होती है, कार्बन और हाइड्रोजन से। और एल्कीन में किसी मतलब एक स्थान पर कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो एल्कीन से अब के बना रहे हैं अपन हाइड्रोजन हैलाइड। चलो देखो, मैं एक एल्कीन ले लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जो ये एल्कीन ली है मैंने, इसका नाम है प्रोपीन, क्लियर। 3 कार्बन एटम्स है इसमें, और एल्कीन के अपन को क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड। तो एल्कीन की अभिक्रिया अपन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से।
HBr से करा रहे हैं, क्लियर। जब एल्किन की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन हैलाइड से कराओगे, तो देखो याद रखो हाइड्रोजन हैलाइड जो है ये एसिड है, इससे आएंगे H प्लस और Br माइनस अटैक करने के लिए। प्लस वाला कहां जुड़ेगा, जहां इसको माइनस दिखेगा, और माइनस वाला कहां दिखे जुड़ेगा, जहां उसको प्लस दिखेगा। अब प्लस माइनस तो इसमें है नहीं, तो प्लस माइनस हम दिखाएंगे। इससे पहले एक बात क्लियर कर लो, थ्री डिग्री जो कार्बन है, थ्री डिग्री कार्बन जानते हो, जो कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ हो, थ्री डिग्री कार्बन पर प्लस मोर स्टेबल, वन डिग्री कार्बन पर प्लस, टू डिग्री कार्बन पर प्लस उससे लेस स्टेबल, और सबसे लेस स्टेबल होता है वन डिग्री कार्बन पर प्लस। सबसे मोर स्टेबल थ्री डिग्री कार्बन पर प्लस, लर्न करो, सबसे उससे कम टू डिग्री कार्बन पर प्लस, और सबसे कम स्टेबल होता है वन डिग्री कार्बन पर प्लस। अब आप समझते हैं, सबसे पहले आक्रमण अटैक करेगा एच प्लस, प्लस वाला वहां अटैक करेगा जहां उसे क्या दिखेगा माइनस। कौन से बंद को तोड़े भाई इसमें जो माइनस लाए, मुझे लगता है पाई बॉन्ड को तोड़ो। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है जो वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसको ब्रीक करते हैं। कैसे ब्रीक करें, इस बंद में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां ले आता हूं, जब दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां लाऊंगा तो इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो कौन सा आवेश आएगा प्लस, प्लस कौन से पाएगा टू डिग्री कार्बन पर। ढंग से देखो ये टू डिग्री कार्बन है, दो कार्बन से अटैच है, और ये वन डिग्री है, तो मुझे तो प्लस टू डिग्री पे लाना चाहिए ना, क्योंकि टू डिग्री कार्बन पर प्लस मोर स्टेबल। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां शिफ्ट कर देते हैं, कर दिए शिफ्ट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो यहां क्या आ गया माइनस, और यहां क्या आ गया प्लस। अब H प्लस को यहां जोड़ दो, Br माइनस को यहां जोड़ दो, क्या बन जाएगा CH3CH, या प्लस वाले से माइनस वाला जोड़ना है ना, तो यहां Br, और यहां CH2 से कौन जुड़ेगा माइनस से, प्लस क्या बन गया CH3, ये बन गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अच्छा, इस जर रिएक्शन जो है ये अभी अपन ने पढ़ी, इस रिएक्शन में एक रूल और है, मार्कोनिकोफ का रूल, वो शॉर्ट ट्रिक है, क्लियर करते हैं उसे क्या है। मार्कोनिकोफ कहता है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, तो हैलोजन समूह का अटैच वहां होता है एल्कीन के डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन से होता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो। डबल बॉन्ड से जुड़े इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक, और इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो ये कहां जुड़ेगा हेलोजन उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन क्या है कम है। तो ये किसका रूल है, मार्कोनिकोफ का रूल, और मैंने भी तो यही किया है, हाइड्रोजन मैंने यहां जोड़ा, हाइड्रोजन यहां जोड़ा, क्लियर। इसी अभिक्रिया को अब अगेन एक बार और पढ़ते हैं, पर आपके देखो एल्किन की अभिक्रिया फिर हाइड्रोजन हैलाइड से करा रहे हैं, पर आपके अपन किसकी उपस्थिति में, आपके अपन जो रिएक्शन करा रहे हैं वो करा रहे हैं, ढंग से सुनना, आपके जो रिएक्शन करा रहे हैं वो परोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं। परोक्साइड क्या होते हैं भाई, परोक्साइड में दो ओ आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ध्यान रखना, जैसे ये है डाइहाइड्रोजन परोक्साइड, परोक्साइड में ये जो ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड होगा ये बीच से सेंटर से ब्रेक होता है, तो इससे क्या बनते हैं, याद रखो मेरी एक बात को, OH रेडिकल। अब ये OH रेडिकल क्या करेंगे, इसमें भी बॉन्ड को बीच में से तोड़ेंगे और H रेडिकल को पकड़ लेंगे। जब ये H रेडिकल को पकड़ लेंगे तो यहां से ध्यान करो कौन को पकड़ लेंगे H रेडिकल, तो सबसे पहले अटैक करने कौन आएगा, Br रेडिकल। रिएक्शन चेंज हो गई, पहले अटैक करने सबसे पहले कौन आ रहा था, जब परोक्साइड नहीं था, H रेडिकल, और अब कौन आ रहा है, Br रेडिकल। Br रेडिकल वाला तो क्या करेगा, इसमें भी होमोलाइटिक डिवीजन, इसमें भी समांश विखंडन करेगा, बीच में से बंद को सेंटर से तोड़ेगा, पाई बंद को अपने सेंटर से तोड़ा अपन ने, तोड़ दिया बीचों बीच से, तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब Br रेडिकल सोच रहा है कहां जुड़ूं, मैंने कहा कि Br रेडिकल यहां जुड़ा, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस पे 1 डिग्री कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन अधिक स्टेबल होगा, 2 डिग्री कार्बन पे फ्री रेडिकल, ध्यान करो बताया था, अगर ये यहां जुड़ा तो 2 डिग्री कार्बन पे फ्री रेडिकल रह जाएगा ना, और यहां जुड़ेगा तो किस पर रह जाएगा, 1 डिग्री पर, मोर कौन फॉर्म होगा 2 डिग्री वाला, तो ये यहां जुड़ेगा जिससे क्या बने 2 डिग्री फ्री रेडिकल, तो प्रोडक्ट बना अपना CH3CH रेडिकल, CH2 यहां जुड़ा Br, और फिर बाद में H रेडिकल आ जाएगा वो यहां जुड़ जाएगा। अब बताओ प्रोडक्ट चेंज हो गया ना, रिएक्शन वही थी पर परोक्साइड की उपस्थिति में बना है N प्रोपाइल ब्रोमाइड और पहले बना था आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब इस रिएक्शन में परोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है,
मतलब हेलोजन समूह का योग एल्कीन के डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन एटम पर होता है जिस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। उल्टा करो, उल्टा, अधिक नहीं, जिस पर, सही कहा ना मैंने, अधिक है उस पर जुड़ेगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ का रूल है। क्लियर कर दिया अपन ने, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने एल्कीन से बनाने का मेथड भी देखा, हाइड्रोजन हैलाइड। अब पढ़ते हैं नंबर थ्री, एल्कोहल द्वारा। आपके अपन किससे बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड। आपके अपन एल्किल हैलाइड बना रहे हैं बेटा, वो एल्कोहल से बना रहे हैं। एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल में जो एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह समझ गए, एल्किन में से छठा एल्किल समूह बचा। एल्किल समूह को मैं आज से प्रेजेंट कर रहा हूँ। एल्कोहलों में एल्किल समूह से OH समूह जुड़ा होता है। तो अपन को एल्कोहल से क्या प्रिपेयर करना है, एल्किल हैलाइड प्रिपेयर करना है। सिंपल समझ लो, तो मुझे ऐसा लगता है इस एल्कोहल की अभिक्रिया भी अपन हाइड्रोजन हैलाइड से करा देते हैं। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया आपने हाइड्रोजन हैलाइड से कराई तो सिंपली सोचो H2O का निष्कासन हो जाएगा, और H2O का निष्कासन से, H2O के निकलने से प्रोडक्ट बनेगा एल्किल हैलाइड, और संग में H और OH मतलब H2O। तो सिंपल मेथड, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराइए जिससे एल्किल हैलाइड बने और संग में क्या बने, जल। सिंपल लग रही है बहुत रिएक्शन, पर इसको ढंग से समझते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे है, इसकी मैकेनिज्म समझो, इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन कैसे हुई है, एक बार मैं क्लियर करना। देखो इधर जो एल्कोहल है, एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। लोन पेयर क्या होते हैं, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा, एक्सटर्नल जो सेल है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो फ्री हों लोन पेयर कहलाएंगे। तो ऑक्सीजन है जो इसकी आउटर लेयर है, आउटर सेल है, इसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें से 2 बॉन्डेड है, तो इस पर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 लोन पेयर है। अब मैंने एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई, तो तुझे पहले भी बताया है मैंने, ध्यान रखो हाइड्रोजन हैलाइड से सबसे पहले अटैक करने कौन आता है, H प्लस, फिर कौन आएगा, X माइनस। हाइड्रोजन हैलाइड HBr HCl H प्लस अटैक करेगा, प्लस वाला वहां जाए इसको माइनस दिखे, अब माइनस तो देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर खाली इलेक्ट्रॉन है, ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो ये H प्लस यहीं अटैक कर लेगा। अच्छा, ये जब यहाँ अटैक करेगा तो क्या बना, ढंग से देखो, ROH, ये H प्लस यहाँ पहुंचा, O पे पास लोन पेयर है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बंद बना लेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। O के दोनों इलेक्ट्रॉन ने बंद बना लिया, H का प्लस खत्म हो गया क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, पर ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने से यहाँ कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस, इसको बोलेंगे ऑक्सोनियम आयन। जो ऑक्सोनियम आयन होता है बेटा वो लेस स्टेबल, क्यों, क्योंकि कभी भी कोई आयन मोर स्टेबल होता ही नहीं है, आयन नहीं मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होता है। ये बन गया तो ध्यान से देख लो क्या हुआ, H प्लस ने अटैक किया ऑक्सीजन पर, किस तरह से जुड़ा, यहाँ पर H कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ करके इस तरह का आयन बना लिया ऑक्सोनियम आयन। अब क्या होगा, इसमें से ये H2 निकल जाएगा, मतलब इस बंध में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, जब ये बंध यहाँ से ब्रीक होगा इस तरह से, तो एक इलेक्ट्रॉन भरने से ऑक्सीजन का बेटा वो क्या खत्म हो जाएगा, प्लस आवेश खत्म हो जाएगा, तो क्या निकल गया, माइनस H2O, और क्या बचा, R प्लस मतलब कार्ब कैटायन बचा। अरे कार्बन पे प्लस, कार्ब कैटायन बचा, अब कौन जुड़ेगा, एक चीज और बच गई होगी शायद, X माइनस, इससे X माइनस जुड़ करके एल्किल हैलाइड का क्या कर लेगा, निर्माण। तो देख लो ये दोनों प्रोडक्ट बन चुके हैं। एक बात देखो, इस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट क्या बने हैं, इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बिटवीन बने हैं, इंटरमीडिएट अपन कह सकते हैं, एक तो ऑक्सोनियम आयन बना और एक कार्ब कैटायन बना, बना नहीं बना, तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बना। रिएक्शन को क्लियर कर लो, अब आगे सुनो, जब इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बना है तो इस रिएक्शन के लिए मुझे लगता है कि जो 3-degree एल्कोहल होता है CH3CCH3CH3OH, ये 3-degree एल्कोहल, ये दूसरा बनाया मैंने CH3CHCH3OH, ये है 2-degree एल्कोहल, और तीसरा बनाया मैंने CH3CH3CH2OH, ये 1-degree एल्कोहल।
मैंने ऐसे कैसे बोला? इसमें वह समूह थ्री डिग्री कार्बन जुड़ रहा है, ढंग से देखो, ऐसा कार्बन जो तीन कार्बन जुड़ रहा है, तो ये थ्री डिग्री अल्कोहल है और ये जो है टू डिग्री अल्कोहल है। इसमें वह समूह जिस कार्बन जुड़ रहा है वो कार्बन टू डिग्री कार्बन है और ये डबल डिग्री। अच्छा, मैं इस अभिक्रिया में अगर थ्री डिग्री अल्कोहल लेता तो इस अभिक्रिया में थ्री डिग्री अल्कोहल से क्या बनता? इस अभिक्रिया में थ्री डिग्री अल्कोहल से बनता थ्री डिग्री कार्बन कटायन। क्लियर? क्यों? क्योंकि एच प्लस यहाँ अटैक करता है, जस्ट टू निकल जाता। और अगर मैं लेता ये तो इससे क्या बनता? वन डिग्री अल्कोहल से बनता वन डिग्री कार्बन कटायन। अब मुझे एक बात बताओ, कौन मोर स्टेबल है? अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था थ्री डिग्री कार्बन पर प्लस मोर स्टेबल और वन डिग्री कार्बन पर प्लस लेस स्टेबल। ये मोर स्टेबल है और मोर स्टेबल है तो ये मोर फॉर्म अधिक बनेगा और ये अधिक बनेगा, इसका मतलब ये अधिक रिएक्शन करेगा। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए ये मोर स्टेबल है ना, और मोर स्टेबल तो सबसे अधिक बनेगा मोर फॉर्म। ये जब मोर फॉर्म होगा तो मोर स्टेबल, जब मोर फॉर्म तो ये सबसे अधिक रिएक्शन करेगा। और जब ये सबसे अधिक रिएक्शन करेगा, अरे इसके रिएक्शन करने पर ही तो ये बनेगा। जब ये सबसे अधिक रिएक्शन करेगा तो ये सबसे अधिक क्या होगा? क्रियाशील। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये आ जाएगा अपने पास, सबसे अधिक रिएक्टिव होगा वन थ्री डिग्री, उससे कम टू डिग्री और सबसे कम वन डिग्री। तो ये तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की। हाइड्रोजन हैलाइड की बात करते हैं, सुनो। हाइड्रोजन हैलाइड है अपने पास HF, HCl, HBr और HI। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर सुनो। अच्छा, HBr HI से रिएक्शन के दौरान कौन बनेगा? H प्लस और I माइनस। इससे क्या बनेगा? Br माइनस। इससे क्या बनेगा? Cl माइनस। और इससे क्या बनेगा? F माइनस। सोचो सबसे अधिक मोर स्टेबल कौन है, ढंग से सुनो। I माइनस सबसे अधिक मोर स्टेबल है अपने बिग आकार के कारण, अपनी बिग साइज के कारण ये सबसे मोर स्टेबल है। जब ये सबसे अधिक मोर स्टेबल है तो ये सबसे अधिक मोर रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? तो सबसे अधिक रिएक्टिव होगा इसमें कौन सा? HI, क्योंकि इसका मिडल इंटरमीडिएट I माइनस मोर स्टेबल है अपने बिग साइज के कारण, तो ये सबसे अधिक मोर रिएक्टिव होगा। तो ये अपन ने इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा। तो अपन ने ये तीन तरह की रिएक्शन पढ़ चुके हैं, किसकी? एल्केलाइन निर्माण की। क्लियर? फोर्थ मेथड, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन बाई एल्किल हैलाइड। मतलब देखो, कंफ्यूज मत होना, मतलब अपन एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाएंगे, पर किसका एक्सचेंज होगा? हैलोजन का। देखो, जैसे मैंने एल्किल हैलाइड लिया एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, ये एल्किल हैलाइड ही है। अच्छा, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई, ढंग से सुनना, बहुत सिंपल रिएक्शन। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड लिया, इसकी अभिक्रिया अपन ने सोडियम आयोडाइड से कराई, तो इनमें से ये निकल जाएगा और एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, संग में बन जाएगा NaCl या NaBr। ठीक है, ये अभिक्रिया जो होती है ये एसीटोन की उपस्थिति में होती है ये रिएक्शन। तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब अपन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो हैलोजन एक्सचेंज होते हैं, मतलब यहाँ का आई इधर और ये इधर, तो एल्किल आयोडाइड बनेगा और NaCl या NaBr बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिया है। तो ये रिएक्शन जो है एल्किल आयोडाइड प्रिपरेशन की है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है, ये एक नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फिंकेल स्टाइन रिएक्शन। फिंकेल स्टाइन रिएक्शन का नाम है इस रिएक्शन का, फिंकेल स्टाइन रिएक्शन। एक और देखो, ऐसी एल्किल हैलाइड लेना है, वही एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, और इसकी अभिक्रिया धातु फ्लोराइड मेटल फ्लोराइड से कराना है, जैसे मैंने AgF ले लिया। क्या होगा? वही हैलोजन एक्सचेंज। क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्किल फ्लोराइड प्लस AgCl या AgBr। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब आप मेटल फ्लोराइड से कराओगे तो वही हैलोजन एक्सचेंज, यहाँ का इधर और यहाँ का इधर। इस अभिक्रिया को बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट रिएक्शन। क्या नाम है? स्वार्ट। और ये कौन सी थी? फिंकेल स्टाइन। और ये कौन सी है बेटा? वो स्वार्ट रिएक्शन है। और बताता हूँ, चलो एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन की रिएक्शन और बताते हैं। नंबर 5, हुंसडीकर रिएक्शन। देखो, इसमें हुंसडीकर जो रिएक्शन है इसमें क्या करना है, ये भी एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन की मेथड है। तुम्हें करना क्या है,
तुम्हें लेना है कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में OHCOOH समूह होता है और ये किससे जुड़ा होता है, एल्किल समूह से, और अब बन गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, होमोसिडिकर रिएक्शन के लिए कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और उसका कोण लेना है सिल्वर साल्ट। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हमें Br2 से करानी है और CCl4 सॉल्वेंट की उपस्थिति में करानी है। तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, सिंपल याद रखें, इसमें से Br निकल जाएगा, यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी और प्रोडक्ट जो बनेगा, एक बनेगा RBr और क्या निकल गया, CO2 गैस दिख रहा होगा, और क्या बन निकल गया, AgBr। तो ये एल्किल ब्रोमाइड प्रिपरेशन की मेथड है, सिंपल मेथड है, क्लियर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आज की वीडियो अगर समझ में आई हो तो जरूर लाइक करना।